नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। स्वागत करता हूँ मेरी ऑल इन वन चैनल पे। आज का जो विषय है मेरा, एप्पल iPhone 10 की स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी देना। और फिलहाल जो मैंने वेबसाइट ओपन करके रखी है, इसमें सारे स्पेसिफिकेशन बहुत बेहतरीन तरीके से दिए हुए हैं। तो आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि इसमें जो स्पेसिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और पब्लिक क्यों इस डिवाइस के लिए वेट कर रही है ख़रीदने के लिए। इसमें जो दिया है, 5.8 इंच की डिवाइस की स्क्रीन है, और इसमें 12 मेगापिक्सल कैमरा है, और 3 GB रैम है, और एप्पल A11 बायोनिक प्रोसेसर है। तो जैसे कि सबसे बेहतरीन जो प्रोसेसर है अब तक का इस्तेमाल करने के लिए, तो इस डिवाइस के अंदर अवेलेबल है। तो जो हालांकि जिन्होंने भी अब यहाँ पे वेट किया है, इसी के लिए वेट कर रहे हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर रही है, GSM है, CDMA है, और बाकी जो भी है वो भी सपोर्ट करती है नेटवर्क टेक्नोलॉजी, जिससे कि इसमें मेंशन किया है इसके डायमेंशन, और इसका जो वेट है जो 174 ग्राम के आसपास रहेगा। और इस सिम जो है इस्तेमाल करते हैं नैनो सिम में, और इसमें जो इस्तेमाल किया गया है IP67 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस, जो उसको बताया गया है, ये वाटर रेजिस्टेंस है डिवाइस अप टू 1 मीटर, और 30 मिनट्स तक सर्वाइव कर सकता है। अगर इसको वाटर रेजिस्टेंस ना समझ के हम वाटर प्रूफ समझने की गलती कर देते तो डिवाइस हम पानी में इमेजेस कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये वाटर रेजिस्टेंस है, ध्यान रखिए, वाटर प्रूफ नहीं है। एप्पल पे इस्तेमाल कर रहा है, जैसे सैमसंग में सैमसंग पे है, इसमें भी एप्पल पे है। इसमें वीज़ा मास्टर कार्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें डिस्प्ले जो है सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, 16 मिलियन के कलर के आसपास है, और साइज़ जो इसकी है 5.8 इंच की स्क्रीन है। जो रिजोल्यूशन जो हमने सपोर्ट करता है 1125x2436 पिक्सल, हालांकि बहुत अच्छा पिक्सल है। प्रोटेक्शंस में आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, 3D टच डिस्प्ले है, ट्रू टोन डिस्प्ले है, वाइट कलर के मोड डिस्प्ले है, और जो प्लेटफॉर्म जो है सपोर्ट करता है iOS 11 सपोर्ट करता है, iOS 11, और जो चिपसेट जो इस्तेमाल करता है एप्पल A11 बायोनिक इस्तेमाल कर रहा है। CPU है हेक्साकोर करके इस्तेमाल कर रहा है, GPU जो एप्पल GPU 3 को ग्राफिक्स करके है। मेमोरी कार्ड, हालांकि आज तक कोई भी डिवाइस में मेमोरी कार्ड के लिए अलग से स्लॉट नहीं आया है, तो मेमोरी कार्ड जो है अलग से ही है। और इंटरनल जो इसकी है 64 GB, दो वेरिएंट्स में आएंगे डिवाइस, एक 64 और एक 256 GB में, और 3 GB जो रैम आप इस्तेमाल, मतलब 3 GB का भी रैम का इस्तेमाल हो रहा है। तो दो वेरिएंट में अगर 64 डिवाइस करते हैं तो उसके अंदर भी 3 GB रैम आएगी, अगर 256 GB इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी आपको 3 GB रैम मिलेगी। कैमरा के बारे में जानकारी ले लेते हैं iPhone 10 में, जैसे 12 मेगापिक्सल आपको कैमरा मिलेगा iPhone 10 के अंदर। हालांकि इसमें भी क्वाड LED ड्यूल टोन फ्लैश करके भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहेगी, ऑटो फोकस है। और फीचर्स में इसमें 4K वीडियोस आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और जो भी है यहाँ पे उसकी स्पेसिफिकेशन दी गई है। और सेकेंडरी कैमरा जो है 7 मेगापिक्सल कैमरा तक आप वीडियो, आप फ्रंट में इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं। साउंड्स के बारे में भी जानकारी दी गई है, यस ए स्टीरियो स्पीकर के साथ आएगा, 3.5 mm जैक इसमें भी नहीं है हालांकि, क्योंकि iPhone 7 से ही उसको निकाल दिया है, और लाइटनिंग कनेक्टर का इस्तेमाल हम जो भी है ऑडियो जैक के अंदर, उसके अंदर हालांकि अलग से एक आपको 3.5 mm जैक टू आपको जो भी है कन्वर्टर आएगा, लाइटनिंग टू कन्वर्टर 3.5 mm जैक, वो आप अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें भी अवेलेबल तो रहेगी। और जो कम्युनिकेशन जो है वाईफाई, इसमें कौन सा सपोर्ट कर रहा है उसकी स्पेसिफिकेशन दी गई है, 802.11a/b/g, और इसमें ब्लूटूथ भी अवेलेबल रहेगी, GPS भी अवेलेबल है, और रेडियो यहाँ पे फ़िलहाल तो नहीं है। और USB में क्या आपको 3.0 रिवर्सिबल कनेक्टर मिलता है इसके अंदर, ठीक है। अभी सेंसर में फेस ID है, एक्सेलरोमीटर है, प्रॉक्सिमिटी है, मैसेजिंग भी है, और जाहिर सी बात है जावा सपोर्ट नहीं करता है इसके अंदर, क्योंकि iOS है सपोर्ट करने के लिए। फास्ट चार्जिंग लिखा गया है, और 50% इन 30 मिनट्स, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। इसकी iCloud जो भी सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। बैटरी स्पेसिफिकेशन में आपको बताना चाहूँगा, 21 आवर का टॉक टाइम चलेगा इसके अंदर, अप टू 21 आवर आप टॉक टाइम कर सकते हैं 3G पे जो स्पेसिफिकेशन। और म्यूज़िक प्ले जो है 60 आवर्स तक कर सकते हैं, 60 आवर्स तक, ओके, म्यूज़िक प्ले। और हाँ, जो बैटरी भी रहेगी और नॉन रिमूवेबल बैटरी रहेगी। कलर्स अभी जो अवेलेबल है स्पेस ग्रे और सिल्वर में। प्राइस जो इसकी यूरोप में
की है, लेकिन 1 लाख के ऊपर ही अगर इंडियन प्राइस के मुताबिक अगर करते हैं तो 1 लाख के ऊपर ही इसका बजट रहेगा। तो ये जो स्पेसिफिकेशंस हैं, मैं स्पेसिफिकेशन की लिंक्स भी आपको देना चाहूँगा, आप कंपेयर भी कर सकते हैं, वेबसाइट भी काफ़ी बेहतरीन है। तो ठीक है, अगर आप जैसे ही अगर प्री बुक करना चाहते हैं या आपके नज़दीकी कोई भी एप्पल स्टोर में जाके बुक करना चाहते हैं, अगर आपके लगता है कि वर्थ है ख़रीदना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए, और आपको मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।